बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारी टीवी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, खबर शामिल करने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुँच सके। नाज़रीन, फाकी वज़ीर की गाड़ी पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक क्वेटा में फाकी वज़ीर इसरार तरीन की गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से दो अफराद जाबाग हो गए। मीडिया के मुताबिक क्वेटा पशीन स्टॉप पर फाकी वज़ीर इसरार तरीन की गाड़ी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में दो अफराद जाबाग और एक राहगीर बच्चा जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार मुलज़मान ने हेलमेट पहन रखे थे। ये भी बताना है कि गाड़ी में इसरार तरीन मौजूद नहीं थे और गाड़ी में इसरार तरीन की जो घरेलू सिक्योरिटी पर मामूर अहलकार हैं वो बैठे थे। इसरार तरीन के भतीजे का कहना है कि गाड़ी हमारे घर जा रही थी जब इस पर फायरिंग की गई। ज़राए के मुताबिक जांबाग होने वाले में गार्ड और ड्राइवर शामिल हैं, जबकि फायरिंग से जख्मी होने वाले बच्चे को इब्तदाई तबी इमदाद के लिए अस्पताल मंजूर कर दिया गया। फायरिंग की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और इलाके को मुआसरे में लेकर मौका से जो शवाहद है वो इकट्ठे कर लिए गए हैं। थाना सिविल लाइन की पुलिस वाकये की मजीद तहकीकात कर रही है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इसरार तरीन का कहना है कि फायरिंग की जद में आने वाली गाड़ी मेरे कज़न की है और मुतासर गाड़ी शहजाद तरीन की जाती मलकियत है। उन्होंने कहा कि जांबाग अफराद शहजाद तरीन के बॉडीगार्ड थे, मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और अभी वाकये का इल्म हुआ है। ये थी नाज़रीन आपदा की अपडेट। अगली वीडियो तक लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।